ये रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर के ऊपर जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है उसका एक बड़ा इसके अंदर अहम करदार है, जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियन स्पीकर्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और मिलके आप देखें ये जो हमारा खित्ता है, रीजन है, अगर यूरोपियन ममालिक जो है वो इकट्ठे हो गए, यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं, तो क्यों ना हमारे इस खित्ते के जो रीजन के ममालिक हैं वो इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर एक जॉइंट एक्शन के तौर के ऊपर एक मेकनिज़म बनाएँ जिसके तहत जो है वो पावर्टी एलिवेशन के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से और जो दीगर कॉपरेशन जो आपस में कर सकते हैं उसकी बुनियाद रखें। मैं समझता हूँ कि इसी रीजनल कॉपरेशन की तरफ से फिर आगे जाके आप एक अलग से एक इकोनॉमिक ब्लॉक भी जो है इस रीजन का जो है वो बन सकता है। पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में पाकिस्तान हमेशा किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह एक तो आपके फॉर्मल डिप्लोमेसी के चैनल्स हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी है और एक और आजकल इस्तलाह आई है वो ग्रीन डिप्लोमेसी है, कि ग्रीन डिप्लोमेसी के ज़रिए भी आप बहुत सारी जगहों के ऊपर तआवुन के नए रास्ते खोल रहे हैं।